गरीब बहू का अमीर ससुराल। खाने की मेज पर बैठी हुई निवेदिता खाना थूक कर गुस्से में अपनी गरीब भाभी गौरी पर चढ़ बैठती है। आज तू कितना बकवास और बेहुदा कढ़ी बनाई है। आपने मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप मुझसे क्यों जलती बुनती रहती हैं भाभी। ऐसा नहीं है निवेदिता, मुझे गलत समझ रही हो। यही सही गलत का फंडा ना मुझे मत सिखाइए, सब समझती हूँ मैं। आपको मेरा खाली बैठे रहना खटकता है, इसीलिए आप जानबूझकर ऐसा खाना बनाती हैं, क्योंकि आप मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहती हैं। निवेदिता में हमेशा से ही एक की चार लगाने की बुरी लत थी, जिस पर गौरी की सास कालिंदी बेचारी बहू पर सुलग उठती थी। अरे निवेदिता, दोष इसका नहीं, क्योंकि जिस गरीब घर की ये बेटी है ना, वहाँ इसके घर ना हर दूसरे दिन दाने दाने पर आफत छाया हुआ था, और अचानक से हम अमीरों के घर में कोटा भरकर राशन मिल गया, तो बर्बादी तो होगी ही। और तू क्यों जाएगी इस घर से निवेदिता, आखिरकार तू इस घर की बेटी है। अगर किसी को जाना ही होगा तो ये कमबख्त क्यों नहीं चली जाती। इसका यहाँ रहना ही तो मेरे बेटे की दूसरी शादी के रास्ते में रोड़ा है। इसके गरीब माँ बाप ने क्या अच्छा चुना लगाया है, एक जोड़े में बेटी विदा कर दी, वरना ये गरीब की बेटी हमारे अमीर घर में राज नहीं भोग रही होती। अपनी सास कालिंदी का ये कहा सुनकर गरीब गौरी की आंखें आंसू से भर आती हैं, मगर वह एक भी लफ्ज नहीं बोलती, क्योंकि उस गरीब बहू को ससुराल की चौखट के भीतर कदम रखते ही सिर्फ सुनना सिखाया गया था। अपने हक में आवाज उठाने की इजाजत उसे किसी हाल में नहीं थी। पूरे घर परिवार के बीच सिर्फ उसके ससुर सुदर्शनी ऐसे शख्स थे जिन्हें सही मायने में सही और गलत की परख पहचान थी। अरे आखिरकार तुम दोनों माँ बेटी क्यों बिचारी बहू पर हर वक्त चढ़ी रहती हो। एक तो बिचारी बहू एक भोर से भूखी प्यासी सारा दिन तुम्हारे इशारे पर नाचती रहती है, तब भी तुम दोनों को इसे बिना सुनाए चैन नहीं पड़ता। ये लो आ गए बहू की हिमायत करने के लिए। पता नहीं इस गरीब की बेटी ने कौन सी घुट्टी घोल कर पिला दिया है, जो बस इस चतुर नार की तरफदारी करते हैं। पिताजी, आपको लुगाइयों के लफड़े में बिना पड़े कोई दूसरा काम दिखाई नहीं देता क्या? बस चले आते हैं माँ और भाभी के खटपट में टांग अड़ाने। निवेदिता के बोलने का बेढंगपन देखकर सुदर्शन वहाँ से चला जाता है। निवेदिता बहुत ही बिगड़ैल अय्याश बाज और मुंहफट लड़की है, जिसे गौरी का हंसना चहकना या खुश रहना गवारा नहीं, इसलिए वह अपनी भाभी के खिलाफ हर वक्त अपनी माँ के कान भरती है। कालिंदी भी उसी के सिखावे में चलती है। माँ मुझे ना चिली पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज भाभी को कह दो बना देंगी। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो, तू ठहर। गौरी, अरे ओ गौरी जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। मेरी बेटी को चिल्ली पास्ता खाना है, सारा काम छोड़कर पहले मेरी निवेदिता के लिए चटपटा सा चिल्ली पास्ता बना दे। दिन भर से काम कर रही गौरी का शरीर थकान से चूर हो चुका था, मगर काम के कारण उसे पल भर के लिए भी आंखें मोड़ने का भी सही वक्त नहीं मिला। बेचारी बहू इस उम्मीद में अपनी सास की आंखों में देखती रही, शायद उसकी सास उसे झूठे मुंह ही आराम करने को कहेगी, मगर कालिंदी ने कुछ न कहा। गौरी ने झट से पास्ता बनाकर निवेदिता के आगे परोस दिया। ये लो निवेदिता, गर्मा गर्म पास्ता। हाँ हाँ, खुशबू तो बड़ी दमदार है, मगर अगर मैंने अपनी इस गरीब भाभी की तारीफ कर दी तो ये मेरी माँ की नजरों में छा जाएगी, और फिर बिना नुश्क निकले निवेदिता को खाना हजम होता है क्या? निवेदिता गपा गप करके पास्ते की प्लेट चट कर देती है, मगर आखिरी बाइट के साथ वो झूठ फूट का नाटक मचाते हुए कहती है, आथू। अरे अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ कंकड़ था मुंह में चला गया। क्यों री जाहिल गवार गरीब की बेटी, तेरी आंखें हैं कि बटन? मेरी फूल सी बच्ची को कंकड़ पत्थर खिलाकर तू उसे मारना चाहती है? कालिंदी गुस्से में गौरी को खींचकर थप्पड़ मारती है, जिसे कालिंदी की उंगलियां गौरी के गालों पर छप जाती हैं। तभी उसका पति भावेश घर में दाखिल होता है। क्या हुआ माँ, आज इस गरीब गंवार ने फिर कुछ नुकसान किया क्या? अरे भावेश बेटा, तेरी माँ ने तेरी पत्नी को तेरी आंखों के सामने पीट दिया, ऐसे में तुझे उसका हालचाल पूछना चाहिए, मगर तुझे तो नफे नुकसान की पड़ी है। पिताजी आप तो चुप ही रहिए, एक तो आपने जोर जबरदस्ती से मेरी शादी इस गई गुजरी गरीब से करा दी। कितना कुछ सोचा था मैंने कि दहेज में बुलेट मिलेगी, मगर उसके गरीब माँ बाप ने एक खोटा सिक्का तक नहीं दिया। अरे ऐश तो इसकी ही है, बिना एक पैसे दिए झोपड़ पट्टी से सीधे महल में आ गई। भावेश गरीबी की आड़ में गौरी को भिगो भिगो कर जूते मारता है, मगर कहते हैं जब पानी सर से ऊपर उफन जाए तो मुर्दे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। उस रोज गौरी अपने अमीर ससुराल वालों से आंखें मिलाकर बोल पड़ी, सच कहा आप सभी ने, मगर मैं भले ही गरीब की बेटी हूँ, मगर मेरे माँ बाबूजी के सिखाए संस्कार उतने ही बड़े हैं, इसलिए मैंने चुपचाप सब कुछ सहा।
मगर शायद आप लोगों ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। और कभी सास ने मुझ पर जोर आजमाया तो कभी ननद ने नौकर से भी बदतर अपनी जूती की नोक पर नचाया। और जिसने हाथ थामा उसके लिए तो ये शादी समझौता बनकर रह गया। इतने बड़े घर की बहू होते हुए भी मेरी हैसियत एक नौकर की है, मगर आज भी मैं अपने गरीब बाबा की रानी हूँ। माफ करना ससुर जी, मगर अब कोई मेरे माँ पिताजी को गरीब कहे ये मुझे गवारा नहीं। आखिरकार उस गरीब बहू को अपने मायके का मान बचाने के पीछे ससुराल छूट जाता है, जिसका दुख सिर्फ सुदर्शन को होता है। हालांकि भावेश, निवेदिता और कालंदी बहू के चले जाने से खूब खुश होते हैं। अगली सुबह, निवेदिता, अरे ओ निवेदिता, उठ जा, सुबह के 8 बज रहे हैं। ओहो क्या है माँ, मेरे कान में घुसकर क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो मुझे। बेटी दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, जरा उठकर एक कप चाय तो बना दे। ये सुनकर निवेदिता बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, माँ खुद भी तो अपना हाथ पांव चला सकती हैं, प्लीज अब मेरी नींद खराब करना बंद कीजिए। ऐसा कहकर निवेदिता रजाई ओढ़कर सो जाती है। वहीं कालिंदी लड़खड़ाती हुई खुद ही चाय बनाती है। वहीं भावेश भी भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। निवेदिता अपनी अमीर के आड़ में बाहर से खाना खरीद कर खुद खा लेती। फिर एक शाम भावेश थका हारा घर आकर सीधे किचन में जाता है, मगर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। निवेदिता, तुम सारा दिन फोन पर उंगलियां फेरती रहती हो, थोड़ा वक्त निकालकर खाना बना दिया करो, तुम इतनी लेजी क्यों हो? ये सुनकर निवेदिता अपने भाई को गुस्से से घूरती हुई बोलती है, ओ कमान भैया, हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है, अगर आपको इतनी भूख लगी है तो कुछ ऑर्डर कर दो। मगर तुम जानती हो ना मुझे बाहर का खाने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए भैया, क्योंकि ये किचन में खड़े होकर पसीना बहाना और खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, निवेदिता भावेश को उल्टा जवाब देकर चली जाती है। वहीं भावेश की आंखों पर गौरी झांकने लगती है और उसके लफ्ज अल्फाज पकड़ लेते हैं। गौरी मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का कितनी आसानी से ख्याल रखती थी। भावेश को पछताता देखकर सुदर्शन बोलता है, अब एहसास हो रहा है बरखुदार कि तुमने क्या खोया है, हमारे पास पैसे की कौन सी कमी है, नौकर रख लेते हैं। अपने पिता की फटकार सुनकर भावेश शर्म से भर जाता है। पिताजी मेरे हाथों बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। भावेश गौरी को लेने उसके मायके आता है, जहां उसका पिता हरिहर कहता है, अरे गौरी बिटिया, देख दामाद जी आए हैं। दामाद जी, आपके और बिटिया के बीच कोई अनबन हुई है क्या? जब से आई है खोई खोई सी रहती है गौरी। घर चलो गौरी, तुम्हारे भावेश से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आ गई है। अपने पति की आंखों में उतरा पछतावा देखकर गौरी उसके गले लग जाती है और अपने ससुराल आ जाती है, जहां कालिंदी कहती है, अपनी सास को भी माफ कर दे, तेरी सास ने तेरी कदर नहीं जानी, मैंने तुझे नौकरानी बनाकर रखा मगर अब मेरी ऐठ खाक हो गई है, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। इस तरह ससुराल के सभी शख्स को गरीब बहू की कदर समझ में आ जाती है। वहीं निवेदिता सभी की नजरों से उतर जाती है। कावेरी का रंग बहुत ही काला था, वहीं उसकी दोनों जिठानियां जिया और शिखा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो अपने गोरे रंग पर गुमान करती हुई अपनी देवरानी को दबा कर रखती थी। अरे ओ हमारी काली देवरानी, इतना मटक मटक कर कहां जा रही है? बस बाजार तक जा रही हूँ जिठानी जी, वो रात की बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। अरे तेल लेने गई तेरी सब्जी, चल पहले जरा मेरे बालों की चंपी कर दे, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। कावेरी चाहकर भी अपनी जिठानियों की बोली गई बात अनसुनी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी दोनों जिठानियां सास की चहेती थी। कावेरी चुपचाप अपनी जिठानी शिखा की चंपी करने लगती है, तभी शिखा तारीफ की आड़ में उसकी बेइज्जती करती है। अरे वाह क्या बात है मेरी काली देवरानी, चेहरा भले ही काला है तेरा मगर चंपी तो कमाल करती है। जिठानी जी अब मैं जाऊं, देखिए ना बाहर अंधेरा घिर गया है। अरे शिखा ये अंधेरा अंधेरे से डरने लगा है। अपनी जिठानियों के मुंह से अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाजार से सब्जी लेकर घर आती है, जहां उसकी लालची सास लता उसे जानबूझकर हिसाब मांगती है। केरी नजर बट्टू, बाजार से एक सब्जी लाने में इतनी देर लगती है, कहीं बाजार की आड़ में कोई घोटाला तो नहीं कर रही तू? माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं आप, मैं अनिकेत जी के अलावा किसी के बारे में सोचती भी नहीं, सीता माँ की सौगंध। ओहो सासू माँ थोड़ा तो लॉजिक लगाया कीजिए, अब हमारी काली देवरानी की आफत कौन पालना चाहेगा? सच कहा जिया,
वैसे भी देवर जी ने इस बिल्लो रानी को अपनी बीवी बनाकर आ बैल मुझे मार वाली मिसाल कायम कर दी है। कमरे में काम कर रहा अनिकेत ये सुनकर बहुत मायूस होता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और होली का त्योहार पास आता है, जिसे देखकर कावेरी की सास उस पर पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी थोपते हुए बोलती है। कावेरी, अरे ओ कावेरी, अरे कहाँ मर गई कल्लो माई। जी माँ जी, बुलाया? वो मैं रोटी बना रही थी। अरे रोटी क्या तेरे कानों के तवे पर सिक रही थी जो सुनाई नहीं दिया? किचन का काम खत्म करके होली की साफ सफाई कर दियो। और हाँ, हमारी काली देवरानी, गेस्ट रूम बहुत ज्यादा गंदा पड़ा है, वहाँ की टेबल से लेकर चेयर तक अच्छे से चमकाना क्योंकि होली पर हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। I'm sorry to say that, शिखा भाभी, मगर मेरी बीबी ने इस घर में रहने वाले का ठेका लिया है। बाहर से जिसके मेहमान आते हैं वो उसका ख्याल खुद रखे। देख लीजिए माँ जी, पता नहीं हमारी इस काली देवरानी ने ऐसी कौन सी गुट्टी घोल कर पिला दी है देवर जी को जो उनके तेवर ही बदल गए। ये आपके देखने का नजरिया है भाभी। बस कर अनिकेत, इस कल की आई बीवी के पीछे तू बड़े छोटे का लिहाज भूल बैठा है। पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र फूका इस काली चुड़ैल ने। अनिकेत जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए। लेट्स गो सासू मॉम, शॉपिंग के लिए चलते हैं। दोनों जिठानियां अपने रंग रूप पर ऐंठती हुई सास के साथ होली की शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। वहीं कावेरी आंसू पोंछकर सफाई करने लगती है। चलो कावेरी, मैं भी होली की सफाई में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मुझे माफ कर देना कावेरी, तुम्हारा पति अपने वादे पर खरा नहीं उतर सका। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, मगर मेरी माँ और भाभी के कारण तुम्हारी आंखें हमेशा आंसू से भरी रहती हैं। अपने पति अनिकेत के सामने अपने दर्द को उभरता देखकर कावेरी अपने गम छुपाती हुई बोलती है। अनिकेत जी, बेवजह सोच रहे हो, सास बहू के बीच में ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती रहती है। अरे बस करो कावेरी, ये झूठी मुस्कुराहट से तुम्हारी तकलीफ नहीं मिटेगी। काश कि एक बार तुम्हारा रूप देखकर माँ और भाभी तुम्हारे दिल में झांक कर देख सकती। हर चीज का एक समय होता है अनिकेत जी, क्या पता ये होली हमें जोड़ जाए। कावेरी अपनी सास को खुश करने और जेठानियों का दिल जीतने के लिए घर का कोना कोना अच्छे से साफ सुथरा करती है। अगली सुबह दोनों गोरी बहुएं अपनी काली देवरानी को दिखा दिखा कर अपने गोरे रंग का घमंड झाड़ती हैं। माँ जी, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर? अरे कतई जहर लग रही हो तुम दोनों इस साड़ी में। बहू, अरे ऐसे ही थोड़ी एक साड़ी पर 10,000 रुपए फूके, अब देखना होली के दिन मेरी दोनों बहू बवाल लगेंगी। सच में जेठानी जी, आप दोनों हैं ही इतनी खूबसूरत कि आप दोनों पर कोई भी रंग खिलता है। ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम सुंदर हैं और कोई भी कलर हम पर क्लासी लगता है क्योंकि ऊपर वाले ने हमें रज रज के रंग रूप जो दिया है। माँ जी, ये ससुराल में मेरी पहली होली है, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई हैं? अरे तुझे भला मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी बिल्लू बहू, ये पकड़ 5 रुपए और जहर की पुड़िया खरीद के खा ले, परसों जा ताकि इस होलिका दहन पर तुझसे पीछा छूटे। अपनी सास के मुंह से मरने की बददुआ सुनकर काली बहू अपने कमरे में चली जाती है। शिखा और जिया अपनी सास के मन में सुलगे आग में घी डालती हुई कहती हैं। वैसे सासू माँ, प्लान तो बड़ा सॉलिड है, मगर मैंने कौन सा प्लान बना लिया बहुओं? अरे माँ जी, हमारी काली देवरानी को मारने का, कल होलिका दहन है, क्यों ना हम अपनी काली देवरानी को होलिका की आग में जलाकर मार डालें और देवर जी की दूसरी शादी कर दें? हाँ ये तरकीब अच्छी है, इसका मखद से पीछा तो छूटेगा। दोनों जिठानी अपनी सास के साथ मिलकर लकड़ियों के गट्ठों से आंगन में होलिका दहन का इंतजाम करती हैं। अगले दिन होलिका दहन की शाम वो अपने चाल को अंजाम देती हैं। माँ जी, आपको प्लान याद तो है ना, हमें करना क्या है? बहू याद है, मैं कोई चूक नहीं करूंगी जिससे कि ये काली चुड़ैल होलिका दहन के आग से बच सके। जी माँ जी, देखिए वो आ रही है। अरे छोटी बहू, जरा यहाँ तो आना, जरा इन लकड़ियों के गट्ठों को सीधे खड़े होने में मेरी मदद तो कर देना। जी माँ जी। जैसे ही कावेरी होलिका दहन की लकड़ी के पास आती है, उसकी शातिर जेठानी अपनी सास के समेत लकड़ियों में सलाई लगा देती है जिससे आग धधक उठती है और लता चीख पड़ती है। अरे बहू मुझे बचाओ, मैं लकड़ियों के बीच में फंस गई हूँ, अरे मैं मरना नहीं चाहती हूँ। ओहो सासू माँ, अब आप और ज्यादा जीकर क्या करेंगी? आप मरेंगी नहीं तो हम दोनों बहुओं के रह करने की बारी कैसे आएगी?
हैप्पी होलिका दहन सासू माँ। दोनों लालची बहुएं दूर खड़ी होकर ये नजारा देखकर खूब खुश होती हैं। तभी कावेरी अपनी सास को बोलती है, माँ जी कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन कीजिए, आपकी बहू आपका बाल भी बाका नहीं होने देगी। कावेरी अपनी आग में भपके लकड़ी के लट्ठों को दूर फेंकती हुई लता को बचाकर बाहर लाती है, मगर होलिका दहन के गंभीर आग से उसकी हथेलियां झुलस जाती हैं, जिसे देख सख्त दिल सास का मन पसीज पड़ता है और वो अपने किए पर रोते हुए बोलती है, कावेरी बहू उठ, तू मुझे मेरे गुनाहों के बोझ में छोड़कर नहीं जा सकती। अनिकेत कहाँ है तू? क्या हुआ माँ? लता अनिकेत के सामने सारा सच उगल देती है, जिसके बाद वो कावेरी को अस्पताल में भर्ती कराती है और समय रहते उसके हाथों का ट्रीटमेंट हो जाता है। और होली की भोर कावेरी होश में आती है, जिसे देखकर सास आंसुओं से भरी हुई आंखों से बोलती है, हैप्पी होली बहू, हैप्पी होली माँ जी, चलिए घर चलते हैं, आज होली है। मगर कावेरी जी आपके घाव अभी गहरे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मर्ज का इलाज मेरा ससुराल है और ये मेरी पहली होली है जिसे मैं अपनी सास और जेठानी के साथ मनाना चाहती हूँ। ये सुनकर शिखा और जिया का सिर शर्म से झुक जाता है। आई एम सॉरी कावेरी, हमने नफरत की आड़ में ना तुम्हें नीचा दिखाया बल्कि तुम्हारी जान भी लेनी चाहिए, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। जेठानी जी आज होली है, चलिए सभी रंजिश मिटाकर होली के इस रंग में घुल जाते हैं। इस तरह कावेरी का सुलझा हुआ स्वभाव न सिर्फ उसकी सास को बदलता है बल्कि वो अपनी जेठानी के मन की नफरत को अपने प्यार से जीत लेती है। और इस तरह काली बहू की होली उसे खुशियों के हजार रंग और अपनों को प्यार से भर जाती है। मगर याद रखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद भी गिरता है, इसलिए किसी के लिए अपने मन की नफरत से न भरे, जितना मुमकिन हो प्यार बांटे, क्योंकि किसी की खुशियों का कारण बनना ही इंसानियत की परिभाषा है और होली का त्योहार भी हमें यही सिखाता है।